जाएगी जिसमें दो लोग जो है एक दूसरे से बात करेंगे, जबकि जो आपके पास जो तीन लोग हैं तो ग्रुप में तीन लोग बचेंगे, दो थ्री पीपल वन ऑब्जर्वर, ठीक है, दो कैरेक्टर हैं और तीन क्या है ऑब्जर्वर, और वो ऑब्जर्वर जो भी आपकी नेगोशिएशन होगी उसके बेस पर आपको इस फॉर्म में जो मैंने आपको अभी अनफिल फॉर्म दिया है ना, इस फॉर्म में आपके करेक्टरिस्टिक्स को फिल करेंगे कि आपको उससे कितना फ़ायदा हुआ, कैसे हुआ। अब मैं होल एक्टिविटी पढ़ने जा रही हूँ, उसके बाद मैं हर ग्रुप को ये एक्टिविटी दे भी दूँगी, ठीक है, तो पढ़ भी सकते हैं इसमें। एक्चुअली ये क्या है, लर्निंग एक्टिविटी है, नेगोशिएशन रोल प्ले है। इसमें आपने क्या करना है, इस लर्निंग एक्टिविटी टू प्रैक्टिस एंड नेगोशिएशन स्किल बाय कैरिंग आउट अदर सेवरल रोल प्लेस वेयर टू स्टूडेंट्स नेगोशिएट विद ईच अदर इन फ्रंट ऑफ क्लास। दो स्टूडेंट्स या क्लासरूम में या किसी भी हॉल में, इवन जो आपको तब भी काम आ सकती है जब आप किसी मीटिंग में होते हैं, आपने किस टिप को मद्देनजर रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए नेगोशिएशन टिप नंबर वन है, नेवर एक्सेप्ट एनी प्रपोजल इमीडिएटली नो मैटर हाउ गुड इट इज, ठीक है, हाउ गुड इट इज। आपने कोई प्रपोजल, कोई भी आपको, कोई भी बंदा आपको कोई भी ऑफर देता है, वो आपको लगता है कि यार इससे तो मेरा बिजनेस फॉरन ही फ्लरिश कर जाएगा, बट आपने पहले ही नीचे लैंडर उसको एक्सेप्ट नहीं करना। उसके बाद है नेवर नेगोशिएट विद योरसेल्फ वंस यू हैव मेड एन ऑफर। अच्छा, नेवर नेगोशिएट विद योरसेल्फ वंस यू हैव मेड एन ऑफर इफ द अदर पार्टी डजंट एक्सेप्ट इट, डोंट मेक एन अदर ऑफर। यानी आपसे जो दो बंदे बात कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, अगर आपने एक ऑफर दी है और उस पर उस पर्सन ने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया है पॉजिटिवली, या आपको कोई घुमा रहा है, बात नहीं कर रहा है आपको, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर क्रॉस एक और ऑफर उसको नहीं देनी। इस तरह से क्या होता है, डोंट मेक एन अदर ऑफर गेट अ काउंटर ऑफर इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस व्हेन यू लोअर योर ओन डिमांड विदाउट गेटिंग योर अपोनेंट टू लोअर देयर। आप अपने डिमांड को कम करते जा रहे हैं, दूसरे की डिमांड को कम नहीं कर रहे हैं। तो ये नेगोशिएशन डेली लाइफ में भी काम आती है और जब यू आर साइनिंग सम डील तब भी आपको ये काम आएगी। नेवर कट अ डील विद समवन हु हैज गो बैक एंड गेट द बॉस अप्रूवल। लाइक इफ यू आर मेकिंग अ डील एंड यू आर ऑल एंड ऑल इन दैट डिसीजन, लेकिन जो नेक्स्ट पर्सन आपसे बैठा हुआ है उसको किसी का अप्रूवल चाहिए, तो आप उससे कभी डील कट नहीं करते। आप 100% उसकी या अपनी शरायत या उसकी शरायत को नहीं मानते, जबकि आप उससे ये कहेंगे हमेशा कि आप जाएं बात करें और जो आपके इमीडिएट बॉस हैं उनसे इसके बारे में राय लें और फिर मुझे बताएं कि किन किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर रहते हुए आप हमारे साथ एग्री करेंगे, ठीक है। तो नेवर कट द डील हु हैज इमीडिएट बॉस, राइट। उसके बाद आपके पास है इफ यू कांट से यस इट्स नो। बिजनेस में देखेंगे करेंगे जो हम मोस्टली करते हैं ऐसा नहीं होता, इट इज इधर यस और नो। सो जस्ट बिकॉज अ डील कैन बी डन डजंट मीन इट शुड बी डन। आपको लगता है कि हाँ यार इस बंदे को मैं किसी ना किसी समझौते वाली बात पर ला सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाजमी इसके साथ डील ही करें। Do your homework before you deal. Learn as much as you can about other side. Instincts are no match for information. आपको एक तो देखा, आप किसी से मिलते हैं, आपकी छठी हिस्से है वो कहते हैं यार ये बंदा सही है, ये बंदा ईमानदार है, नहीं ये बंदा दो नंबर करेगा, ये बंदा बेईमानी करेगा, एक तो इंस्टिंक्ट आपकी आपको बताती है। लेकिन सबसे पहले बिफोर मीटिंग एनी वन, कॉर्पोरेट्स का ये बहुत बड़ा रूल होता है, जितना अच्छा आप उनको स्टडी करके आते हैं उतना ही अच्छा आप उनके साथ डील कर सकते हैं। तो आपने कॉर्पोरेट में या नेगोशिएशन में जो भी अभी आपको रोल प्ले मिलेगा उसमें देखना है, इन सारी चीज़ों को देखना है कि कौन बेहतर कर रहा है, इन बातों को कौन बेहतर फॉलो कर रहा है, ऑब्जर्वर्स के लिए बता सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है, रिहर्स प्रैक्टिस, गिव सम समवन टू प्ले द अदर साइड, स्विच रोल, किसी के साथ कंपनी में बैठकर काउंटर आर्गुमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिफोर दैट इम्पॉर्टेंट मीटिंग. किसी भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग से पहले आप एक काउंटर आर्गुमेंट लाजमी करें ताकि आपको आइडिया हो कि किस किस्म की सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं. बी अवेयर द लेटर डीलर. उसके बाद बी नाइस. इफ यू कांट बी नाइस, गो अवे एंड लेट समवन एल्स डू द डील. बहुत अच्छे से सलूक करें. अगर आप अच्छे देखिए सर, कोई भी फैसला गुस्से में नहीं किया जाता या जज्बात में आकर नहीं किया जाता, स्पेशली इफ इट इज रेलिवेंट टू योर स्टार्टअप, योर बिजनेस. जिस तरह की कल मैं बात कर रही हूँ गैस के, हमारे डायरेक्टर बहुत सारे मिले हैं, लेकिन एक्चुअली गैस के साथ जिन्होंने काम किया है, दोस्त पीपल वर सेइंग कि वो लोग बहुत ज़्यादा कमिट करते हैं, बट जब डिलीवर की बारी आती है तो वो आपको लटकाते दर लटकाते रहते हैं. तो यू नो यू शुड नो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको अपनी पोजीशन बताने चाहिए, उसके बाद क्या बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हो सकती हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं इस सिचुएशन में. उसके बाद आपके पास है अ डील कैन ऑलवेज बी मेड व्हेन बोथ पार्टीज सी देयर ओन बेनिफिट एंड मेकिंग इट. यू डू वांट टू कन्विंस एनीवन. आप किसी को भी कन्विंस करना चाहते हैं, वो आपके हाथ में फैसला लेके आपके फायदे के लिए काम करें. जब तक आप उसके काम में वैल्यू ऐड नहीं करेंगे और उसको ये शो नहीं करवाएंगे कि नहीं यार तुम्हारा ज़्यादा फायदा है मेरा काम है, तब तक वो आपके सब काम नहीं करेगा. इट्स एज सिंपल एज इट इज. ठीक है. सो आपने ड्यूरिंग नेगोशिएशन आपने ऐसा रोल प्ले में आपने इस बात को मद्देनजर रखना है कि आप दूसरे के काम में उसके रोल में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसको फायदा हो रहा है. ठीक है. किसी पॉइंट पर अगर आपको नहीं समझ आता तो कितना और ऑब्जर्वर आपने ये सारी चीज़ें गौर से देखनी है कि ये कौन बेहतर कर रहा है और फिर फीडबैक लिखना है अपना. वॉच द गेम फिल्म स्टॉप प्लेयर्स इन एनी गेम इंक्लूडिंग नेगोशिएटिंग डिस्प्यूट देमसेल्फ इनिशियली आफ्टर बीइंग ग्रीटेड क्वेश्चन अदर साइड. No one is going to show you their whole card. This is an important point. You have to figure out what they really want. True. Since the given reason is never the real reason, you can eliminate the given reason. So listen, कोई भी आपको उसके असल मकासद कभी भी नहीं बताता. Especially अगर आप किसी giant से बात करने जा रहे हैं और आप एक इमेच्योर एंड इनिशियल कंपनी में और आप किसी बड़ी कंपनी के साथ कोई भी डील साइन करना चाह रहे हैं, वो आपको अपने सारे कार्ड कभी भी नहीं शो करते. तो आपको देखना होता है कि असल में उनके बैकएंड पर क्या मकसद है, वो हमसे क्या आउटपुट चाह रहे हैं और उस आउटपुट की कितनी कॉस्ट है. लाइक आपके माइंड में कॉस्ट होगी कि व्हाट यू आर गोइंग टू डील दैट. ठीक है. इसके बाद आप उनके साथ बेहतर डील कर सकते हैं. तो ये नेगोशिएशन में और जज Always keep your diary with you during any meeting. Always keep your diary with you ताकि आप दूसरे के पॉइंट्स और अपने पॉइंट्स को मीटिंग के बाद, क्योंकि एक मीटिंग में हमेशा डील साइन नहीं हो जाती, या फिर एक मीटिंग में आप ये नहीं कहते थे हाँ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. आप क्या करते हैं कि नोट्स उनके पॉइंट्स को अपने पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं, देन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिस्कस करते हैं, अपनी टीम से डिस्कस करते हैं, एंड देन आप एक फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं कि आप कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो. सो दी थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. प्लस है ऑलवेज लेट द अदर साइड टॉक फर्स्ट. द फर्स्ट अदर कुड सरप्राइज यू एंड बी बेटर देन यू एवर एक्सपेक्टेड. लेट अदर शो देयर साइड टू यू. ठीक है. दूसरों को मौका दे ज़्यादा बोलने का. जो अच्छा सुनता है वो अच्छा बिजनेसमैन होता है. जो अच्छा सुन सकता है, चाहे वो टीम के लिए हो, चाहे वो कलेबोरेशन के लिए हो, चाहे वो पार्टनरशिप के लिए हो, जो इंसान सुनने की बेहतरीन अहलियत रखता है वो अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है. सो ट्राई टू लिसन. ठीक है. अच्छा, अब मैं आप सबको ग्रुप में, आप लोगों ने पाँच पाँच ग्रुप बैठे, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक रोल लगाने जा रही हूँ. आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट करें.
अच्छा जस्ट मैं आपको ये पढ़ कर देती हूँ। मैं आपको पढ़ कर देती हूँ। अच्छा अगर आप आई यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दे देंगे ये तो उसके बाद टाइमलाइन दे देंगे ये टारगेट ऑडियंस आपको पता है कि आपके स्टूडेंट्स या स्टार्टअप इस तरह के लोग होते हैं जो कि डे टू डे डेली लाइफ में नेगोशिएशन कर रहे होते हैं और प्रोडक्टिव नेगोशिएशन कर रहे हैं। लर्निंग आउटकम्स क्या है कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए। ये कोई टेस्ट नहीं है इसमें कोई पास फेल नहीं हो रहा। सो ट्राई टू यूज योर बेस्ट स्किल्स जो कि आप कर सकते हैं इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद यहाँ पर है मेथड क्या है आपने वर्बल इंट्रोडक्शन देना है। स्टेप वन ग्रुप फॉर्मिंग आपकी हो चुकी है पाँच पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसमें क्या होगा दो लोग नेगोशिएशन करेंगे तीन लोग कौन होंगे ऑब्जर्वर कौन होंगे ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर उनको ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अब ग्रुप वन मैं आपको आपका रोल बता रही हूँ मैं आप इंडिविजुअली आकर आपको आपका रोल बता रही हूँ। आप हैं बायर और आप हैं ट्रेडर। बायर का बायर लेदर जैकेट फॉर्म करनी है फॉर्म करनी है और आप लेदर जैकेट खरीदना चाहते हैं आपको जैकेट बहुत पसंद है वेल मेड एंड स्टाइलिश और आपके हिसाब से स्टाइलिश भी बहुत है बहुत आप कह रहे हैं नहीं इससे अच्छी चीज़ हमको मिलेगी ठीक है आपकी डिजायर है आप लोगों ने ऑब्जर्व करके इनको फिल करके देना है मुझे अभी भी
ठीक है। और आप लोगों में से देखें, एक सेलर है और एक बायर, लास्ट वन है, ठीक है। तो डायलॉग कोई भी कर लेते, और जल्द आपने देखना है कि किसकी नेगोशिएशन में क्या। अच्छा, आपने अपने फ्रेंड को हेल्प ही करना है, कौन कहाँ लैग करता है, कहाँ पर जाकर वो कहता है नहीं उसकी बात हो जाती है, और वो नेगोशिएशन में हार जाता है। क्या कह रहे हैं, पढ़े हैं, पढ़े हैं, पढ़े हैं, सही है ना, एक ही टीम का, एक ही करके आप लोगों में से गेंद गेंद बचाएगा कुछ आप तो आप सोनर डाल देंगे एक इधर से जाएगी इधर हां एक सेलर सेलर बैंक और प्रोडक्ट पता नहीं बोलूंगा आप एक छोटा सा दिल है बिल्कुल 11 बजे 45 मार्केट मार्केट क्लोजिंग 15 मिनट में मार्केट आपकी बंद होगी 15 मिनट बाद मतलब रात के 11 हो रही 12 बजे आपकी मार्केट बंद होगी आपके पास 12 खरबूजे रह गए और अगले दिन के लिए हम सेल के काबिल लिया अपने अभी हाल में 20 खरबूजों को निकालने अब आपने उनको बेचने इसलिए भी तरकीब सोचें कि आप आप 20 यूरो देंगे उनमें 20 खरबूजों इससे कम आप नहीं बेचेंगे।